नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। देश में प्रमुख तीर्थों में एक तीर्थ स्थान जहां पर बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं, यह स्थान रामराजा सरकार से प्रसिद्ध है। यहां पर विशेष प्राकृतिक खूबसूरत वन संपदा एवं विशाल नदी है, जिसको देखकर लोग स्वर्ग की कल्पना करते हैं। ओरछा नगरी राजाओं की प्राचीन नगरी है, जिनके विशाल महल आज भी सुरक्षित है, जिनकी देखरेख सरकार करती है। यहीं पर लाला हरतौल का स्थान है। राजा जुझार सिंह व उनकी पत्नी तथा भाई हरतौल और बहन कुंजा की प्रेम कहानी अमर है। आप ओरछा नगरी की खूबसूरती देखें, हमारे संवाददाता शिव बालक अनुरागी की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं आज मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में हूँ, जहाँ पर यहाँ की पावन धरती भगवान श्री राम के राजा राम मंदिर से प्रसिद्ध है और यहाँ पे हजारों टूरिस्ट देश विदेशों से आते हैं। और यहाँ का मैं दिखाना चाहूँगा शीश महल किस प्रकार का बहुत प्राचीन महल है। यहाँ पे कई खंड बने हुए हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि पूरा एरिया दिखाएँ वो। और यहाँ पे जो मैं बता दूँ कि जो ये किसी राजा महाराजा का महल है, उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ की जो धरोहर है बहुत ही पावन धरोहर है। और यहाँ पे विशेष दूर दराज से लोग आते हैं और इस प्राकृतिक संपदा को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। मैं आपसे बता दूं कि आज यहाँ संडे होने के बावजूद यहाँ पे बहुत कम भीड़ है। और मेरे साथ नया जोड़ा है, थोड़ी एक मिनट में बात करना चाहूँगा, कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ी दिखाए। कहाँ से आए हैं सर? कानपुर से हैं। कैसा लग रहा है ओरछा में आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कितने दिनों के बाद आपने सोचा होगा कि हमें ओरछा जाना है? अरे करीब हो गए 8 साल। 8 साल जी। मैम कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। जैसा कि आपने देखा, सब लोगों से सुना है कि बहुत अच्छा ही लगता है। लेकिन हमारे साथ छोटू है। छोटू कैसा लग रहा है, क्या नाम है आपका? विराट सिंह। विराट सिंह, अरे वाह, कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के दर्शन किए हैं अभी? नहीं किए? किए हैं। चलिए देखो, आप बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता है खुश होकर जाता है, क्योंकि यहाँ के जो महल और यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, आप बाहर देखेंगे आप जंगली इलाका है, बहुत ही एक में एक पेड़ पौधे हैं और ये यहाँ देखकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।